देख रहे हो हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अक्सर राम मंदिर के मुद्दे पर सबसे पहले बीजेपी का नाम आता था, लेकिन अब वो कौन सा चेहरा है? वही जो मेरे पीछे है, मुलायम सिंह यादव, क्योंकि वो भी अब राम नाम की सियासत पर लगता है उतर चुके हैं पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश के चुनाव याद रखिए करीब है। कौन से हैं वो पांच सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा, क्योंकि कार सेवकों के साथ जो कुछ हुआ उस पर अफसोस करके किस तरह की राजनीति कर रहे हैं मुलायम। यूपी चुनाव को लेकर क्या फिर से गर्मा रहा है राम मंदिर का मुद्दा? 25 साल बाद फायरिंग पर मुलायम को आखिर अब जाकर अफसोस क्यों हो रहा है? बीजेपी को रोकने के लिए मुलायम ने खेला है क्या हिंदुत्व कार्ड? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड वो खेल रहे हैं? क्योंकि इस बयान के आगे उन्होंने क्या कहा है ये भी हम आपको सुनाएंगे। लोकसभा चुनाव में हार के बाद क्या ये मुलायम का यू टर्न है? याद रखिए उत्तर प्रदेश में कितने में सिमट गई थी समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में, क्या इसी वजह से राम मंदिर पर कार सेवकों पर फायरिंग पर अफसोस जता रहे हैं? अखिलेश के काम से नाखुश मुलायम ने क्या अपना एजेंडा बदला है? यानी राम मंदिर तो सिर्फ बहाना है, कार सेवकों पर अफसोस तो सिर्फ बहाना है, दरअसल चुनावों पर निशाना है, क्योंकि अखिलेश यादव और उनका काम बहुत कुछ सराहनीय नहीं दिख रहा उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। 25 साल बाद अचानक मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर चली गोलियों के लिए दुख जाहिर किया है। सवाल उठे कि ये अफसोस अब क्यों? हालांकि उन्होंने कार सेवकों के लिए अफसोस जताया तो मुसलमानों को भी पैगाम दे दिया कि उनके हित के लिए वो खड़े हैं। क्या मुलायम सिंह यूपी चुनाव की वजह से रणनीति बदल रहे हैं? वैसे तो पछतावा जीवन में कभी भी हो सकता है, लेकिन राजनीति में जब बरसों पुरानी घटना के लिए पछतावा होने लगता है तो पूछना जरूरी हो जाता है कि इतने बरस बाद क्यों। इसलिए समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से पूछने की जरूरत महसूस हो रही है कि 1990 में कार सेवकों पर चलवाई गई गोलियों के लिए 25 साल बाद गलना क्यों। जरा सुनिए मुलायम क्या कह रहे हैं। झोला लोग की गाने गए, मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है, झोला लोग की गाने गए और मजे बताने का कारण है कि आप इतनी बड़ी पार्टी बन गए। लेकिन इसके बाद वो खुद ही अपने और समाजवादी पार्टी के राजनीतिक वजूद की वजह भी बता देते हैं और पछतावे का पुल गिरता चला जाता है। हमारे यहाँ कदम था इसी तरह से मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया और मस्जिद गिरा दिया, ये सजग था। मुझे पता चल गया, मैंने फिर अपने तरीके से कैसे कैसे बढ़ाया तो मुलायम सिंह मस्जिद गिरेगी। मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि वो उस धार्मिक स्थल को बचाने के लिए और लोगों पर गोली चलवाने से भी पीछे नहीं हटते। अब चूंकि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात बिछने लगी है, इसलिए मुलायम के बयान को वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा है। उनके इस अफसोस में वोट की राजनीति पूरी तरह से दिख रही है। अफसोस तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तो ये सब इलेक्शन को जीतने के उनकी कोशिश है, परंतु जो उन्होंने 5 साल में उत्तर प्रदेश में किया है, जनता ने तय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर उखाड़ फेंकने की। पिछले कुछ दिनों से अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके हैं कि दिसंबर से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए। इधर इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि ओवैसी, आजम और खुर्शीद जैसे नेताओं को राम मंदिर निर्माण के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वजों के ईष्ट तो राम ही थे। खुर्शीद है कि आजम का है, ओवैसी है कि अजमत है कि ना, इन सब के पूर्वजों के जो ईष्ट थे राम, इन सब ने उसके अपराध बोध से मुक्त होने के लिए मंदिर बनाने के लिए आना चाहिए। ये किसी एक मनुष्य का मंदिर नहीं। बीजेपी ने तो इस मुद्दे पर मुलायम से माफी की मांग तक कर डाली है। पार्टी का कहना है कि मुलायम भली भांति जानते थे कि कार सेवा प्रतीकात्मक थी, तब भी उन्होंने गोली चलवाई। कांग्रेस इसमें बीजेपी और समाजवादियों के बीच संभावित गठजोड़ देख रही है और बीएसपी की भी कुछ ऐसी ही राय है, जबकि मुलायम अपने बयान के मतलब को सबसे बेहतर समझते हैं। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्र प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबू आजमी साहब, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर याब जिलानी जी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर AIMPLB के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लेकिन अबू आजमी साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं। मुलायम सिंह यादव,
जब वो अफसोस जाहिर करते हैं कि कार सेवकों पर गोलियां चलाई गईं, तो क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं या फिर उससे आगे बढ़कर फिर वो कहते हैं कि मुझे पूरे षड्यंत्र का पता था, जो भी किया आज मैं यहां पर हूं तो ये साबित करता है। वो कहना क्या चाह रहे हैं सबसे पहले तो, और दूसरी बात, क्या इस मुद्दे के जरिए फिर से वो उत्तर प्रदेश चुनाव में पोलराइजेशन करने की तैयारी कर रहे हैं, और तीसरी बात जो बीजेपी कह रही है कि वो माफी मांगे अगर अफसोस है तो। मुझे बहुत हंसी आ रही है कि क्या क्या पावरफुल है मीडिया, क्या जोरदार मीडिया काम करती है। अरे भाई, मुलायम सिंह जी कल अपने ऑफिस के कैंपस में एक भाषण कर रहे थे, और मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि हाँ, अफसोस है कि अगर किसी पे गोली चलती है, कोई व्यक्ति मरता है, तो अफसोस तो होता है, लेकिन वजह जो उसकी होती है वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस देश के संविधान की अगर धज्जियां उड़ जाएं, और जिन्होंने संविधान की कसम खा करके इस देश की कुर्सी पर बैठे हैं, यदि वो तमाशा देखते रहेंगे तो संविधान का मजाक हो जाएगा। 25 साल बाद क्यों अफसोस जता रहे हैं? अफसोस जरूर इस बात का है, 25 साल बाद क्यों अफसोस तो पहले से जताया जा रहा है, चुनाव से कुछ महीने पहले क्यों अफसोस? परंतु ये उन्होंने नहीं कहा, नहीं अंजना जी सुनिए ना, उन्होंने ये नहीं कहा है। यदि आज फिर भी कोई जाएगा वहां पर बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाने के लिए बिना कोर्ट के परमिशन से जाएगा, तो जब तक समाजवादी की सरकार है वहां पर बहुत सख्ती के साथ निपटा जाएगा, ये भी कहा जा रहा है बार बार। ऐसा नहीं, किसी की मौत का अफसोस तो है, लेकिन अगर वो हरकत ऐसी करेंगे तो मजबूरी है एक्शन लेने की। और ये कोई इससे पहले कि मैं ये बहस कहीं और ले जाऊं, आपको याद आता है कि इससे पहले कभी भी 25 सालों में उन्होंने अफसोस जताया हो इस पर? नहीं नहीं, इससे पहले कई बार आपको जताया, लेकिन मीडिया ने इसको कभी पिकअप नहीं किया। मीडिया जब चाहती है राई को पर्वत बना देती है, पर्वत को राई बना देती है। अच्छा। बहुत पावरफुल है मेरे देश में मीडिया। अच्छा जी, मुलायम सिंह जी ने कोई ऐसी बात नहीं कहा है जो आज इशू बनाया जाए। मुलायम सिंह जी देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ बराबर का व्यवहार करना चाहते हैं, सबके साथ बराबर की तरह से कानून जो प्रावधान है वो लागू करना चाहते हैं। वही उन्होंने कहा है कि भाई मुझे अफसोस है कि मैं उसे गोली चलानी पड़े, लोग मरे, परंतु यदि ऐसी हरकत होगी तो गोली चलाई जाएगी, चलाना पड़ेगी, मजबूरी होगी गोली चलाना। ठीक है, क्या गलत है? आपने मीडिया को इतना पावरफुल माना है, समाजवादी पार्टी, चूंकि आपने मीडिया को इतना पावरफुल माना है अबू आजमी साहब, तो जरा अपने दर्शकों को भी आज सुनाते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर तो मुलायम सिंह यादव ने क्या क्या कहा है। राम मंदिर के हित में कभी कह देते हैं, कभी बीजेपी पर टारगेट कर देते हैं, कितनी बार उनकी जुबान बदली है, और आप कह रहे हैं कि मीडिया राय से लेकर पर्वत बना देता है। एक बार सुन लीजिए, अपने दर्शकों को जरा सुनाते हैं मुलायम सिंह यादव राम मंदिर पर। 16 लोगों की गाने गए, मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है, 16 लोगों की गाने गए, कहीं मंडी बताने का कारण है कि आप इतनी बड़ी पार्टी बन गए। हमारे यहाँ कदम था इसी तरह से मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया और मस्जिद गिरा दिया, ये कदम था, मुझे पता चल गया। मैंने फिर अपने तरीके से कब से कभी बढ़ाया तो मुलायम सिंह मस्जिद गिरेगी। मुलायम सिंह यादव ने इससे पहले राम मंदिर के हित में भी बात की थी और कहा था उसके साथ खड़े। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी अब एक बार आपके पास आना चाहती हूं, क्या आपको लगता है कि माफी की बात मानना, क्यों कहा कि इतने लोगों की जान गई थी, मुझे अफसोस है, माफी की मांग करना फिर उसके आगे तो बेतुकी बात लगती है। देखिए, ऐसा है कि इसके दो पक्ष हैं जो उन्होंने बोला, एक भावनात्मक है और एक तथ्यात्मक पक्ष है। हो सकता है वृद्धावस्था में आदमी को कई बार अपने पापों का प्रायश्चित याद आने लगता हो, उनके मन की कोई भावना जोर मार गई हो, तो हम नहीं कह सकते हैं, मगर तथ्यात्मक आधार पर उनकी बात गलत है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कार सेवा की तिथि थी 30 अक्टूबर 1990, और गोलियां मुख्य रूप से चली हैं 2 नवंबर 1990 को, जिस दिन कोई कार सेवा नहीं थी, कोई जुलूस नहीं था, टारगेट करके मारा गया था कार सेवकों को। जो ये तथाकथित मस्जिद को बचाने की बात कह रहे हैं, वो तो 30 अक्टूबर की गोलीकांड में आती तो हम मान लेते, कोठारी बंधुओं की शहादत तो 2 नवंबर को हुई है। जवाब ये पूछिए अबू आदमी साहब से कि 2 नवंबर को गोलियां क्यों चली थी। हकीकत ये थी कि मुलायम सिंह जी ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, उसके बाद जो खीज उत्पन्न हुई थी, उस खीज के रिएक्शन में उन्होंने 2 नवंबर को गोली चलवाई, और उस समय सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए, चूंकि लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी जी को गिरफ्तार करके उनसे एक कदम आगे अपने को दिखाने का प्रयास किया था, तो मुलायम सिंह जी को यह लगता था कि मैं कैसे लालू से आगे दिखा दूं कि मैं बड़ा हितैषी हूं, इसलिए उन्होंने किया था। तो राजनीतिक आधार तो ये था। हो सकता है कि चूंकि स्वदेश योजना पूर्वक 2 नवंबर को गोली चलाई गई,
उसका पछतावा कभी कभी आदमी को हो सकता हो, तो हम नहीं कह सकते, परंतु मैं इसमें एक और बात कहूंगा। यही मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने ढांचा गिरने के बाद यह कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पटल पर। अब यदि उनके बयान में इतना बदलाव आ रहा है तो मैं इसको यह भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं समाज के भिन्न भिन्न वर्ग अब बहुत सारी हकीकतों को स्वीकार करने की मना स्थिति में आ रहे हैं। क्या यह सच है अबू आजमी जी? नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल। देखिए जब मस्जिद के मीनारे पर लोग चढ़ गए और वहां से पुलिस ने फोन करके बोला मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी को कि अब मस्जिद बचेगी नहीं, तो मुलायम सिंह जी ने कहा था पुलिस वालों से कि आपका काम है देश को बचाना, सांप्रदायिक दंगे रुकना चाहिए और मस्जिद के एक ईंट को भी कोई हाथ लगाएगा तो पुलिस वाले तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो पुलिस ने गोली चलाई थी। चलिए ठीक है, मैं अबू आदमी साहब से पूछिए, गोली उत्तर प्रदेश पुलिस ने चलाई थी या इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने चलाई थी? आईटीबीपी ने चलाई, मंदिर के परिसर में नहीं, एक गली के अंदर चलाई थी। जिसने भी चलाई थी, जितनी फोर्सेस लगी थी वहां पर, उन फोर्सेस ने गोली चलाई थी, और गोली चलाई थी इस देश के संविधान को बचाने के लिए, न तो किसी हिंदू के खिलाफ, न तो किसी मुसलमान के खिलाफ। जो एक मस्जिद खड़ी थी वो कोई तोड़ नहीं सकता था, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा कोई मनमानी नहीं करना चाहिए, ये कहा था। इसलिए कि मस्जिद पे लोग कब चली थी गोली, जब मस्जिद पे लोग चढ़ गए थे गुंबद को हाथों में हथियार लेकर तोड़ने जा रहे थे, मस्जिद पे 30 अक्टूबर की शाम को 4 बजे लोग चढ़े हैं, 2 नवंबर को दिन में 11-12 बजे गोली क्यों चली, इसका जवाब दीजिए ना। नहीं नहीं, गोली तो गुंबद पे चढ़ने वालों पे चली थी, ऐसी गलत बात है, मैं नहीं मानता इस बात को। अरे पुलिस के रिकॉर्ड देखिए, सड़क पे चलते हुए किसी आदमी गोली मार दी, अरे रिकॉर्ड ही, मैं भी रिकॉर्ड ही बोल रहा हूँ भाई साहब। नहीं तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, चेक करिए, 2 नवंबर को गोली चली है। चलिए मैं कहूंगा आप गलत बोल रहे हैं तो इसका क्या रास्ता है? इस बीच ऑन एयर कुछ देर में दिखा देंगे। मैं राकेश जी अब आपके पास एक बार आना चाहती हूं बहस को आगे ले जाने के लिए। परिस्थितियां देखते हैं, चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर अगर इस भाषण को देखें और समझें तो समझना मुश्किल है कि मुलायम सिंह यादव इतने सालों बाद, क्या ये लोकसभा चुनाव का असर है? क्योंकि अब आप बीजेपी को भी देख लीजिए, राम मंदिर तो मैनिफेस्टो के फुटनोट में कहीं नीचे चला गया है भारतीय जनता पार्टी के, तो मुलायम सिंह यादव इसको उठा रहे हैं। इधर इंद्रेश कुमार जी कह देते हैं कि ये रास्ता निकालें ये लोग और धर्मशाला की बात ना करें, सत्य को स्वीकारें, तो क्या फिर से वही ध्रुवीकरण राम मंदिर हथियार बनेगा? देखिए मुलायम सिंह यादव की जहां तक बात है, अंग्रेजी का एक फ्रेज है, टू हैव द केक एंड आल्सो ईट इट। आप चाहते हैं केक को अपने पास भी रखें और खाना भी चाहते हैं, दोनों काम संभव नहीं है। मुलायम सिंह यादव आज क्रॉस फिंगर है, वो उन्होंने जो संकेत दिया है वो मंदिर की तरफ भी जा सकते हैं और विवादित ढांचा को बाबरी मस्जिद भी कर सकते हैं। इसका मैं एक प्रमाण दे रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव जी को यदि अफसोस है तो वो अफसोस जताने के लिए कम से कम शहीद हुए कोठारी बंधुओं के परिवार के पास जाएं। जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो उसके उन आतंकवादियों के मरने पर तो समाजवादी पार्टी और अबू आजमी रो रहे थे, सोनिया गांधी रो रही थी। जब इसरत जहां के साथ इनकाउंटर हुआ तो उसके परिवार की चिंता लगी हुई थी। जब मेमन को फांसी दी जा रही थी तो यही अबू आजमी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे थे। तो क्या मैं पूछ रहा हूं, क्या कोठारी बंधु जो कि निर्दोष थे, अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए फिर आप बोल लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कोठारी बंधु निर्दोष थे, इसरत बानो को उठा करके जबरदस्ती मारा गया। अंजना जी ने बोलिए नहीं चुप रहने के लिए। नहीं नहीं, अंजना जी अपनी बात बंद कर बोलते हैं, इनकी आदत बहुत खराब है। 500 किलोमीटर एक एक करके, मैं 30 सेकंड अपनी बात पूरी कर लूं, जितना आपको प्रतिवाद करना होगा कीजिएगा। मैं 30 सेकंड में बात पूरी कर लें जल्दी। इस देश में दोहरा मापदंड करने वाले राजनीतिज्ञ जो मुलायम सिंह यादव जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वे ये बता दें कि कोठारी बंधुओं के परिवार के पास कब जा रहे हैं। यदि अफसोस है तो कोठारी बंधुओं का एक स्मारक बनाए, राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में खड़े हो जाएं, क्योंकि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और मैं अबू आजमी को बता दूं, बार बार बाबरी मस्जिद कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे विवादित ढांचा कहा, सर्वोच्च न्यायालय बाबरी मस्जिद, अरे आप न्यायालय से ऊपर हैं, आपने तो मेमन के मामले में न्यायालय बता दिया, आप तो बाबरी मस्जिद का न्यायालय कहता विवादित ढांचा, आप कहते हैं बाबरी मस्जिद होगा। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए और मुलायम सिंह यादव को कहिए, यदि अफसोस है तो भारतीय संस्कृति में पश्चाताप के बहुत अवसर है, भगवान राम को जीवन यादव जी को। एक सेकंड, पूर्णिमा कोठारी हमारे साथ हैं, जो दरअसल बहन है कोठारी बंधुओं की, जिनकी जान गई थी कार सेवक के रूप में। पूर्णिमा जी,
मुलायम सिंह यादव ने अफसोस जाहिर किया है जो गोलियां चलाई गई कार सेवकों पर, उस पर क्या कहेंगे उनसे और अबू आजमी साहब से? हमारे घाव तो आज भी हरे हैं और ये बीच बीच में इस तरह की बातें करके हमारे घाव पर फिर से नमक छिड़कने वाला काम करते हैं। घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और इन्हें न तो मंदिर से कुछ लेना देना है न मस्जिद से कुछ लेना। इसका जवाब दीजिए आप, सिर्फ इनकी नमक छिड़क रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ना आपका मंदिर से कुछ लेना देना है ना मस्जिद से, आजमी साहब? नहीं देखिए, सिर्फ ये इनके भाई का ध्यान हुआ, परंतु एक जब एक मस्जिद वहाँ खड़ी है और उसको गिराने के लिए आवाज लगाकर राम लल्ला हम आए हैं मस्जिद यहीं बनाएंगे इस तरह का नारा करते हो जाएंगे लोग, तो पुलिस मजबूर है एक्शन करने के लिए। और देखिए एक्शन नहीं हुआ, 6 दिसंबर को तो बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, टूट गई। सबसे पहले इतनी बड़ी मस्जिद खड़ी थी, सबसे पहले मैं बात जी का अप्रिशिएट करना चाहिए, नेताजी ने बहुत सही जी एक बात मैं कहना चाहूंगी कि पहला तो वो मस्जिद है नहीं, क्योंकि आपकी मस्जिदों में मीनारें होती है। आपके कहने से क्या हो जाएगा, आपके कहने से क्या हो जाएगा, मस्जिद थी, मस्जिद ही है, 1528 से मस्जिद बनी थी, 1949 तक आपका, अरे कोई भी कहे ये बात आप मत कीजिए, हमें आपके साथ कभी मस्जिद नहीं थी, बरदहस्त बन जाते हैं। दूसरी बात, आप बेताज बादशाह की 1528 से 1949 की रात की जो नमाज होती है वहाँ हुई है, आप क्या बात करते हैं? एक सेकंड, जफर याब जिलानी जी, आप बहन भाई के सामने बोल रहा हूँ, जफर याब जिलानी जी के लिए रोते हैं जी, जफर याब जिलानी जी क्या किसी ने कहा है कि इसे विवादित ढांचा बुलाया जाए, मुसलमान के नाम पर मार देंगे क्या? जफर याब जी एक मुझे बोलने का मौका दीजिए ना, प्लीज प्लीज, जफर याब जी कोर्ट ने भी इसे विवादित ढांचा कहा है, एक सेकंड सर, सरगना बन के बात कर रहे हैं आज, खामोश करेंगे तभी तो बोलूंगा। एक सेकंड जल्दी से जफर याब जी को सुन लीजिए सर, जल्दी से। देखिए पहली बात तो मैं ये आपसे कह दूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से कह रहा हूं, पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी लीगल लड़ाई लड़ रहा है, पॉलिटिकल नहीं। जो बात मुलायम सिंह यादव के बयान की कही जा रही है ये बिल्कुल नई नहीं है, उस वक्त 1990 में भी मुलायम सिंह ने यही कहा था और उन लोगों के घर वालों को उस कंपनसेशन दिलवाया था, कोई बयान उनका नया नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं कि उन्होंने ये, और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं अबू आसिम साहब कि गोली मस्जिद के गुंबद पर चलाई गई थी। लेकिन प्रेसिडेंट, भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं, गुरदासपुर सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए।